हेलो बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा तो चलिए आज हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज एलॉन्ग विद फीमेल असेसरी डक्ट्स एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड मैमरी ग्लैंड्स। सो बच्चों फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज़ का एक पेयर होता है फिर फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं जिनके नाम हैं ओविडक्ट्स, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं यूट्रस सर्विक्स, वेजाइना और फिर एक्सटर्नल जैनिटीलिया होते हैं और साथ में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये सारे पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नो ओवरीज ओविडक्ट्स यूट्रस सर्विक्स वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनेटिलिया दे आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन जैसे कि मैंने आपको लास्ट ऑडियो में भी बताया था कि पेल्विक रीजन का मतलब हुआ लोअर एबडामन सो ये सारे पार्ट्स और मेमोरी ग्लैंड्स, जिनको हम ब्रेस्ट्स भी कहते हैं ये सारे पार्ट्स मिलकर एक मेचोर फीमेल में आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी ओवल्यूशन का फर्टिलाइजेशन का प्रेगनेंसी का बर्थ का और फिर चाइल्ड केयर का रोल निभाने में हेल्प करते हैं तो आइए बच्चों ओवरीज के बारे में कुछ पढ़ते हैं ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट्स दैट इज ओवम ओवरीज क्या हैं ओवरीज फीमेल के प्राइमरी सेक्स आर्गन्स हैं और उनका काम है ओवम को प्रोड्यूस करना इन एडिशन टू ओवम दे ऑल्सो स्क्रीट ए नंबर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स विच आर नोन एज ओवेरियन हारमोन्स और ओवम के साथ साथ ओवरीज जो हैं वो हारमोन्स भी सक्रीट करती हैं द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एबडोमिन हमारे लोअर एबडोमिन के हर एक साइड पर एक एक ओवरी होती है ईच ओवरी इज अबाउट टू टू फोर सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस बाई लिगामेंट्स लिगामेंट तो आप बच्चों जानते ही होंगे कि ये फोल्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो दो बोन्स को आपस में जोड़ने का हेल्प करते हैं या किसी भी आर्गन को अपनी जगह पर फिक्स करने का काम करते हैं सो so, ये जो ओवरीज थी ये यूट्रस के साथ और बॉडी की पैल्विक वॉल के साथ जुड़ी रहती हैं ताकि ये अपनी जगह से खिसक ना जाएं, सो so, लिगामेंट्स इनको जोड़ के रखते हैं ओके okay. अब हर एक ओवरी को अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरी जो है वो बाहर से एक थिन एपिथेलियम के साथ कवर हुई होती है और जो इंटरनल उसका टिश्यू होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा बाहर वाली कवरिंग को बोलेंगे एपिथेलियम एपिथेलियम ने जिस टिश्यू को कवर करके रखा होता है अंदर से उसको बोलते हैं स्ट्रोमा ठीक है नाओ ये जो स्ट्रोमा है जो अंदर का टिश्यू है ओवरी का इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाहर वाले हिस्से को बोलेंगे कॉटेक्स और इनर साइड को बोलेंगे मेड्यूला अब इस स्ट्रोमा के अंदर होती हैं बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर्स बच्चों ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये मैं ओवरी को अगर हम कट करते हैं तो इनर साइड पर जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसकी बात कर रही हूँ कि बाहर से एक कवरिंग थी वो एपिथिलियम थी अंदर जो टिश्यू था उसको स्ट्रोमा बोला था स्ट्रोमा की दो जो बाहर की लेयर थी बिल्कुल एक्सटर्नल लेयर थी पेरिफेरल लेयर थी उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स और स्ट्रोमा का जो इनर साइड था उसको बोलेंगे मेड्यूला और इस स्ट्रोमा के अंदर होती हैं ब्लड कैपलरीज और नर्व फाइबर्स ठीक है अब इसका जो कॉर्टेक्स पोर्शन था किसका स्ट्रोमा का उसके अंदर जो बहुत सारे ग्रेफियन फॉलिकल्स आप देखते हो अब ये ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या हैं इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे फिलहाल आपने समझना है कि ये भी ओवम की डेवलप होने की एक स्टेज है इनसाइड द ओवरी क्योंकि ओवरी का मेन फंक्शन है ओवम को बनाना और साथ में फीमेल हारमोन्स को रिलीज करना फीमेल्स के दो सेक्स हारमोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ये आप पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों हारमोन्स ओवम को रिलीज करने में हेल्प करते हैं और फीमेल की डिफरेंट काइंड्स की डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं नाउ स्टूडेंट्स ओवरी के डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब टर्न आती है फीमेल असेसरी डक्ट्स की सो so, फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल असेसरी डक्ट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं सो ईच फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग अब हर एक फैलोपियन ट्यूब को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है द फर्स्ट पार्ट विच इज़ क्लोज टू द ओवरी फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के बिल्कुल पास होता है उसको बोलते हैं इन्फनडिब्यूलम उससे आगे वाले पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला और लास्ट लंबी पाइप जैसे पार्ट को बोलते हैं स्थमस सो फर्स्ट पार्ट क्या था इनफंडिब्यूलम ये जो इनफंडिब्यूलम है ये फनल शेप्ड होता है और इसके आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिनको फिम्बरी बोलते हैं सो so, जब ओवरी में से ओवम निकलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवलेशन जब ओवम बाहर निकलता है तो फिम्बरी क्या करते हैं उस ओवम को कैच कर लेते हैं और उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ले आते हैं सेकेंड पार्ट जो है एम्प्यूला ये वो पार्ट है जहां पर ओवम की और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है और जो लास्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का इस्थमस जैसा कि मैंने पहले बताया वो एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो एंड में जाकर यूट्रस के साथ ज्वाइन करता है आफ्टर द फिलोपिन ट्यूब नेक्स्ट एसेसरी डक्ट इज यूट्रस द यूट्रस इज ए सिंगल पार्ट एंड द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पियर जैसे उल्टा पियर होता है उल्टा नाशपति होता है वैसे यूट्रस की स्ट्रक्चर होता है द यूट्रस इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल सो यूट्रस भी पेल्विक की वॉल के साथ जुड़ने के लिए लिगामेंट्स के साथ अटैच्ड होता है सो दैट यूट्रस जो है वो अपनी जगह से कहीं इधर उधर ना हो जाए द वॉल ऑफ द यूट्रस हेज थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू जिस वॉल का जिन सेल्स का यूट्रस बना होता है उसमें थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यूज होती हैं जो एक्सटर्नल लेयर है वो उसको बोलते हैं पैरिमिट्रियम मीड मिडल लेयर को बोलते हैं मयोमिट्रियम और इनर लेयर को बोलते हैं एंडोमिट्रियम एक्सटर्नल लेयर कौन सी हुई पैरिमिट्रियम वो थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो मिडिल लेयर होती है वो थिक लेयर होती है और वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम और जो इनर लेयर होती है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम सो ये जो एंडोमेट्रियम है ये ड्यूरिंग मैंस्ट्रल साइकिल इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं और जो मायोमेट्रियम है वो हेल्प करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी जब उसमें बड़ी स्ट्रांग कंट्रैक्शंस होती हैं और एक बच्चे का बर्थ होता है सो so बच्चों यूट्रस एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बेबी की डेवलपमेंट होती है बिफोर द बर्थ इन साइड द बॉडी ऑफ द मदर और नेक्स्ट काम वेजाइना ये जो यूट्रस होता है इट ओपन्स इन टू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स सो वेजाइना इज ए मस्कुलर ट्यूब मेजरिंग अबाउट एट सेंटीमीटर इन लेंथ इट रिसीव सीमन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग मीटिंग मीटिंग के दौरान मेल का सीमन ये रिसीव करता है कौन वेजाइना एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट कन्वेज द चाइल्ड टू द आउटसाइड दिस कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल Now, the opening of the vagina to the outside is known as vulva. Next comes the female external genitalia. The female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, and clitoris. Now, students. मॉन्स प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर उसके बाद आते हैं लेबिया मेजरा और लेबिया माइनरा दोनों फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज हैं जिनके जो वेजाइना के आगे पीछे होते हैं मतलब वेजाइना इनसे घिरा हुआ होता है अब जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना है उसको एक थिन कवरिंग ने कवर किया होता है जिसको बोलते हैं हाइमन और लास्ट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज क्लाइटोरियस ये एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज नियर द यूरेथरल ओपनिंग नो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं ए फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैम मैमल्स जितनी भी फीमेल मैमल्स हैं जो बच्चों को बर्थ देती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कॉन्टेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स मैमरी ग्लैंड्स को हम ब्रेस्ट भी कहते हैं द गलैंडुलर टिश्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज़ डिवाइडेड इंटू फिफ्टीन टू ट्वेंटी मेमरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कार्ड एलव्यूलाई तो बच्चों जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है मैमरी ग्लैंड्स का उसके अंदर बहुत सारे एलव्यूलाई होते हैं द सेल्स ऑफ एलवई सिक्रीट मिल्क ये एलवलाई हेल्प करते हैं मिल्क के सक्रीशंस में विच इज स्टोर्ड इन द कैटीज ऑफ एलवई द एलवियुलाई ओपन इन टू मेमरी मेमरी ट्रिब्यूल्स और ये एलवई जो हैं ये ओपन होते हैं किस में मेमरी ट्रिब्यूल्स में द ट्रिब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंट टू फॉर्म ए मेमरी डक और ट्यूब्यूल ज्वाइन करते हैं और एक डक्ट बनाते हैं सेवरल मेमरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमरी एम्प्यूला विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टीफरस डक्ट थ्रू विच इज साक्ट आउट सो हमने क्या पढ़ा कि मेमरी ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं जिनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्विलाई एल्विलाई का काम है मिल्क को सक्रीट करना और एलवलाई में वो स्टोर रहते हैं फिर एलवई के के आगे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये ट्यूब्यूल्स जॉइन करते हैं और बनाते हैं मेमरी डक्ट और बहुत सारे डक्ट्स जो हैं वो जॉइन करते हैं तो बनाते हैं मेमरी एम्प्यूला और मेमरी एम्प्यूला जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं किसके साथ लैक्टिफेरस डक्ट के साथ जहाँ से मदर की ब्रेस्ट में से मिल्क बाहर आता है वैन द बेबी इज बॉर्न सो दैट्स ऑल फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड थैंक यू वेरी मच